कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार के लगभग हर फैसलों की खुलकर आलोचना करते रहते हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने एक फैसले का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत का विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। इस दौरान बेल्जियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल ने रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी सरकार के रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध पर सरकार के रुख के फैसले से विपक्ष सहमत है। ऑपोजिशन बाय एंड लार्ज वुड अग्री विद इंडियाज पोजीशन, करंट पोजीशन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि विपक्ष रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष पर भारत की वर्तमान स्थिति से सहमत होगा। रूस के साथ हमारे संबंध हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार वर्तमान में जो कर रही है विपक्ष का उससे कोई अलग रुख होगा। We have a relationship with Russia, and I don't think the opposition would have a different view than what the government is currently proposing. दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। ये आपको कुछ बताता है। ये बताता है कि वे भारत की 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। वे ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे किस प्रकार की सोच है? इससे पहले जून महीने में भी रूस यूक्रेन युद्ध पर राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे के दौरान केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया था। उन्होंने वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि वह भी इस मुद्दे पर इसी तरह प्रतिक्रिया देते। बता दें कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण शुरू कर दिया था। शुरुआती समय में लगा था कि रूस कुछ ही समय में यह युद्ध जीत जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने अब तक डटकर मुकाबला किया। हालांकि रूसी मिसाइलों के चलते यूक्रेन में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है।